नमस्कार, सीधे कुंभ से कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग श्रीवास्तव। महाशिवरात्रि के प्रमुख स्नान के साथ प्रयागराज कुंभ 2019 आज संपन्न हो गया। दिव्य कुंभ और भव्य कुंभ, जी हां, 15 जनवरी से मकर संक्रांति से आरंभ हुआ ये कुंभ लगभग 50 दिनों का सफर तय करने के बाद आज संपन्न हो गया। इसे भव्य इसलिए कहा जा रहा है कि इस बार लगभग 20 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने कुंभ में आस्था और विश्वास की डुबकी लगाई। देश के कोने कोने से तो लोग आए, साथ में विदेशों से भी लाखों की संख्या में कई देशों के लोग कुंभ में आए। उन्होंने स्नान किया और अध्यात्म देखा, यहां की सनातन धर्म को देखा। भव्य कुंभ, इस बार कुंभ में लोगों के आने ठहरने की जो व्यवस्थाएं की गई थी वो वाकई अपने आप में काबिले तारीफ थी। दर्जनों स्पेशल ट्रेन चलाई गई, 500 के ऊपर परिवहन विभाग ने बसें चलाई, पर्यटन विभाग ने 4 से 5 हजार टेंट लगाए, पूरी एक टेंट नगर बसाया गया। स्वच्छता की जो मिसाल है वो अपने आप में काबिले तारीफ है। हजारों की संख्या में शौचालय बनाए गए। तारीफ करनी होगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, जिन्होंने न सिर्फ धन से बल्कि मन से भी कुंभ को सफल बनाने में अपना पूरा योगदान किया। तारीफ करनी होगी कुंभ क्षेत्र में लगे सभी विभागों की, चाहे बिजली विभाग हो चाहे नगर निगम हो, दूधिया रोशनी से पूरा नहाया हुआ था कुंभ नगर। तारीफ करनी होगी वहां पर लगे अधिकारियों की, कर्मचारियों की, जिन्होंने रात दिन एक करके इस कुंभ को सफल बनाने में अपना पूरा योगदान किया। जी हां, एक कल्पना कीजिए, अखाड़ों का शाही स्नान हो या संत पंडालों में हो रहे धार्मिक मंत्रोच्चार, ऋषि मुनि द्वारा दिए जा रहे ज्ञान और सत्य के संदेश, और एक तरफ सांस्कृतिक कार्यक्रम, कहीं पे योगा की कक्षाएं चल रही थी, कहीं पे कई कार्यक्रम चल रहे थे, कहीं पे सांस्कृतिक कार्यक्रम चल रहे थे, बैंकों की शाखाएं खोली गई, एटीएम्स खोले गए, लोगों को कोई भी तकलीफ ना हो उसके लिए जगह जगह पे बूथ लगाए गए। वाकई काबिले तारीफ था कुंभ, जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम है। आज एक बार फिर हम आपके लिए हाजिर हैं और कुंभ में आज की गतिविधियां दिखाएंगे, और उसकी महत्वपूर्ण जानकारी के लिए स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं बृजेश कुमार शुक्ल जी, जो कि लखनऊ विश्वविद्यालय में ज्योतिष विज्ञान और संस्कृत के प्रोफेसर हैं। और बृजेश जी, आपको बहुत बहुत मुबारक हो कि पद्मश्री के लिए आपको नामित किया गया है, इसकी शुभकामनाएं हमारी ओर से। बृजेश जी, आज प्रयागराज कुंभ संपन्न हो रहा है जी, आज महाशिवरात्रि के स्नान से संपन्न हो रहा है, तो प्रयागराज में महाशिवरात्रि से ही कुंभ क्यों समाप्त होता है? देखिए, महाशिवरात्रि हमारा धर्मशास्त्र कहता है कि बहुत पावन पर्व है। इस दिन शिव की पूजा होती है और शिव का अर्थ है कल्याण की भावना, तो कल्याण की भावना को लेकर के हम कुंभ की समाप्ति करते हैं। दूसरी बात यह है कि धर्मशास्त्र कहता है कि जो कुंभ है उसमें अमावस्या का महत्व है और कहीं कहीं चतुर्दशी का विशेष महत्व है, तो ये चतुर्दशी आज है, महाशिवरात्रि का पर्व चतुर्दशी को मनाया जाता है। और चतुर्दशी एक ऐसी तिथि है जो कि कुंभ की दृष्टि से बड़ी महत्वपूर्ण मानी जाती है, ज्योतिष में उसका विशेष विनियोग किया गया है, क्योंकि कहा गया है प्रयागे कुंभ योगो वय माघ मासे विधुच्छये, तो विधुच्छये का मतलब है अमावस्या की तिथि, अमावस्या से पूर्व चतुर्दशी की तिथि पड़ रही है और महाशिवरात्रि का ये उत्तम पर्व भी पड़ रहा है, इसलिए हमारे धर्मशास्त्रों ने पुराणों ने इसी दिन इसके समापन की विधि बताई है, इसी दिन इसकी पूर्णता की घोषणा की है। अच्छा ब्रिया जी, हम आपके पास फिर वापस आएंगे अगले सवाल के साथ, और आइए अब हम आपको ले चलते हैं कुंभ की कुछ झलकियां दिखाते हैं। महाशिवरात्रि के आखिरी स्नान के साथ दिव्य कुंभ एवं भव्य कुंभ का समापन हो गया। स्वच्छता की बात हो या हस्तलिपि पेंटिंग की, या एक साथ सैकड़ों बसों को चलाने का रिकॉर्ड, या लाखों लोगों की आंखों का इलाज, हर क्षेत्र में इस कुंभ ने नए रिकॉर्ड बनाए और नई इबारत लिखी। मकर संक्रांति से शुभारंभ होकर महाशिवरात्रि तक चलने वाले दिव्य एवं भव्य में आयोजन सुचारू रूप तरीके से चल सके, इसके लिए शासन द्वारा कोई कसर नहीं छोड़ी गई। सारी विभाग कुंभ में नजर आए। आने वाले श्रद्धालु अगर बीमार पड़ जाएं, उनकी तबीयत खराब हो जाए तो कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं। स्वास्थ्य विभाग ने केंद्रीय चिकित्सालय की स्थापना की है।
कुंभ क्षेत्र के प्रत्येक सेक्टर में एक चिकित्सालय की स्थापना की गई। देश के कोने कोने से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए रेलवे ने जहां नई ट्रेनें चलाई, वहीं कुंभ के लिए स्पेशल टिकट काउंटर खोले गए। रोडवेज ने शटल बसेस चलाकर कुंभ मेले तक श्रद्धालुओं की पहुंच को आसान बनाया। बिजली विभाग ने एलईडी बल्बों से कुंभ नगरी को सजा दिया। दूधिया रोशनी में नहाया कुंभ नगरी ऐसा जान पड़ता था जैसे चांदनी गंगा के तट पर उतर आई हो। बिजली के खंभों पर पड़े नंबरों ने खोया पाया विभाग का सहयोग करके खोए लोगों को अपने से मिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तीर्थराज प्रयाग में भगवान शंकर के मन कामेश्वर मंदिर का ऐतिहासिक महत्व है। कहा जाता है कि भगवान राम ने पत्नी सीता के साथ शंकर जी का पूजन अर्चन यहाँ किया था, इसलिए इस स्थान का बहुत महत्व माना गया है। कुंभ स्नान पर्व शिवरात्रि पर पूर्ण होता है। यमुना नदी के किनारे मन कामेश्वर मंदिर में लोगों की आस्था और विश्वास बना हुआ है, इसलिए यहाँ भारी संख्या में भीड़ होती है। सुबह से ही मंदिर में भगवान के ऊपर लोग जल चढ़ा रहे। तीर्थराज प्रयाग कुंभ मेले में पूर्वोत्तर भारत के प्रदेशों की झलकियां देखने को मिल रही हैं। पेंटिंग के माध्यम से पूर्वोत्तर भारत के संस्कृति को दिखाया जा रहा है। दर्शकों में यह आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। एक भारत श्रेष्ठ भारत योजना के तहत प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है। भारत के कोने कोने से आए श्रद्धालुओं को पेंटिंग के माध्यम से पूर्वोत्तर भारत के जनजीवन को समझने का मौका मिल रहा है। स्वस्थ बच्चा सुखी बचपन मुगली घुट्टी 555। तो आपने देखा कि किस तरीके से सभी विभागों ने तत्परता से काम किया कुंभ को सफल बनाने के लिए। और यहां पर सिर्फ सरकारी विभागों ने ही नहीं बल्कि स्वयंसेवी संस्थाओं ने, और मैं कहूंगा कि जो 20 करोड़ से अधिक लोग स्नानार्थी आए थे, उन्होंने भी पूरा सहयोग दिया इस कुंभ को सफल बनाने में, क्योंकि हमारे आपके बिना कोई भी चीज सफल नहीं हो सकती। ब्रजेश जी, एक बार हम फिर आपके पास आते हैं। ब्रजेश जी, आज एक प्रमुख स्नान हुआ महाशिवरात्रि का। बहुत सारे प्रमुख स्नान होते हैं और कुछ शाही स्नान होते हैं। हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे प्रमुख स्नान और शाही स्नान में क्या अंतर है। देखिए, जो प्रयाग में कुंभ होता है उसमें 6 स्नान प्रमुख स्नान है। एक तो मकर संक्रांति का स्नान, दूसरा स्नान मौनी अमावस्या का स्नान, तीसरा स्नान बसंत पंचमी का स्नान। ये शाही स्नान है, ये विशेष स्नान है जी, विशेष स्नान। और अगला स्नान जो होता है वो माघी अमावस्या का होता है और कुंभ संक्रांति का होता है, और अंतिम स्नान होता है महाशिवरात्रि का जी। अब इसमें शाही स्नान और प्रमुख स्नान में भेद क्या है? वैसे तो कोई विशेष भेद नहीं है, परंतु हमारे जो अखाड़ों के संत महात्मा मंडलेश्वर महामंडलेश्वर आते हैं जी, ये सज धज करके अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित होकर के हमेशा स्नान करने के लिए जाते हैं, और वो वाहनों से जाते हैं, हाथी घोड़े रथ इन पर चढ़ करके जाते हैं, सुसज्जित होकर के जाते हैं। तो जैसे कोई राजा स्नान करने के लिए जा रहे हों जी, जी इस तरह से वो स्नान करने के लिए जाते हैं। और उनका प्रमुख स्नान जो होता है जो, वो माघ कृष्ण पक्ष वाली अमावस्या को होता है। कहते हैं जो पुराने राजा महाराजा जी थे तो वो संत महात्माओं को, साधु संतों को राजा महाराजाओं का दर्जा देके और हाथी घोड़ों से उनको लाते थे। देखिए, कुंभ में जो संत महात्मा आते हैं वो सामान्य संत नहीं होते जी, उनका जो दर्जा है वो एक राजा के समान होता है। उस समय राजवत होते हैं, इसलिए शाही का मतलब है कि राजकीय स्नान होता है उनका। हाँ, और पहले उनके अखाड़ों के स्नान होते हैं और फिर उसके बाद सामान्य जनता स्नान करती है, तो ये उसकी विधि होती है। और उसमें प्रत्येक अखाड़े का नियम होता है कि वो पहले आगे चलेगा,
पीछे चलेगा। इस तरह का कुंभ में जो है नियम है, प्रत्येक कुंभ में भी अलग अलग नियम है, क्योंकि प्रयाग में अलग नियम है और हरिद्वार में अलग नियम है, नासिक में अलग नियम है और उज्जैन में अलग नियम है अखाड़ों के स्नान करने का। अच्छा। तो है, चलिए ब्रजेश जी आइए अब हम आपको ले चलते हैं अपने संवाददाता विकास के पास। प्रयागराज में आयोजित 14 जनवरी से कुंभ मेला आज अपने अंतिम पड़ाव पर है। आज महाशिवरात्रि है और इसी के साथ संपन्न हो जाएगा प्रयागराज का दिव्य कुंभ, भव्य कुंभ 2019। लेकिन आज महाशिवरात्रि के दिन भी यहां पर श्रद्धालुओं का आना बना हुआ है और जिस तरह से यह पूरा मेला चला है, लगभग 25 करोड़ श्रद्धालु इस पूरे मेले के दौरान यहां पर आकर के स्नान किए। स्नानों में असंख्य संख्या में लोगों ने यहां पर भाग लिया और वह संख्या और श्रद्धालुओं का त्रिवेणी के तट पर आना लगातार बना हुआ है। हमारे साथ उदासीन अखाड़े के महात्मा हैं। अंतिम स्नान महाशिवरात्रि का है। महाशिवरात्रि जो 12 महीने होते हैं, 12 महीनों में से ये सबसे महान रात्रि होती है, इसलिए इसको महाशिवरात्रि कहते हैं। हाँ, मैं ये बताना चाहता हूँ, पूरा कुंभ मेला इस बार जो हुआ, इसकी भव्यता, इसकी दिव्यता, इसकी व्यवस्था वो अविस्मरणीय है। बिल्कुल, ये कुंभ भी अविस्मरणीय रहा, अलौकिक रहा और यहाँ पर आने वाले लोगों की तादाद में कभी कोई कमी नहीं आई। प्रशासन का जो अनुमान रहा उस अनुमान से अधिक यहाँ पर लोग आए। और आप कहाँ से आए हैं? मैं राजस्थान दौसा जिले से आया हूँ और ये कुंभ का दर्शन करके मैं अपने आप को बहुत धन्य और भाग्यशाली मान रहा हूँ। ऐसा प्रतीत होता है मानो कि यहाँ मिनी हिंदुस्तान इस प्रयागराज कुंभ में बसा हुआ है। हमसे बर्दाश्त नहीं हो पाया, पांव नहीं रुका, हमने अपने आप को नहीं रोकते हुए यहाँ पर आकर हमने गंगा में डुबकी लगाई और बहुत ही खुशहाल महसूस हो रहा है ऐसा। और महाशिवरात्रि पर स्नान करना ये एक बहुत पवित्र माना जाता है, सो हमें ये एक सौभाग्य प्राप्त हुआ है। दिव्य कुंभ की आभा केवल जो है भारत की सीमाओं में ही नहीं रही बल्कि सात समंदर पार विदेशों तक गई। हॉलैंड में रहता हूँ, नेदरलैंड्स यूट्रेख्ट में। अच्छा, तो कैसे आना हुआ, क्या सोचकर? मैं सोच कर आना, वो महात्मा के दर्शन हो जाए, भोले बाबा बुलाए थे, मैं आना पड़ा, नहीं आई। महाशिवरात्रि पर्व के साथ ही सम्पन्न हुआ कुंभ 2019। दिव्य कुंभ अपनी अलौकिकता के कारण, दिव्य कुंभ भव्यता के कारण, दिव्य कुंभ अपनी व्यवस्था के कारण सदैव याद किया जाएगा। साथ ही श्रद्धालुओं को इंतजार रहेगा कि त्रिवेणी के तट पर माँ गंगा के किनारे जब एक बार फिर संतों का समागम होगा, गृहस्थ आएंगे, उनकी पूजा करेंगे, अर्चना करेंगे, निर्मल निर्झर अविरल साफ गंगा सदैव यहाँ पर बहती रहेंगी और उसी के साथ सनातन धर्म का प्रवाह भी सतत बहता रहेगा। बीडी जायसवाल और राजकिशोर के साथ आशुतोष शुक्ला, डीडी न्यूज प्रयागराज। अंतिम शाही स्नान महाशिवरात्रि के अवसर पर संगम तट पर एक बार फिर से आस्था का जनसैलाब उमड़ पड़ा है। लाखों की संख्या में श्रद्धालु आए हैं आस्था की डुबकी लगाने के लिए। यहां पर विधि विधान से पूजन अर्चन और स्नान कर रहे हैं। आज का पर्व के बाद कुंभ स्नान समाप्त हो जाता है। कुंभ का ये अंतिम स्नान पर्व होता है और इसको देखते हुए यहाँ पर सुरक्षा के भी व्यापक इंतजाम किए गए हैं। घाटों पर गोताखोर लगाए गए हैं, जल पुलिस लगाई गई है और लगातार खोया पाया केंद्र पर अनाउंसमेंट हो रहे हैं। जो लोग अपनों से बिछड़ रहे हैं उनके लिए खोया पाया केंद्र लगातार मदद कर रहे हैं। आप लोग कहाँ से आए हुए, कैसा लगा? दिल्ली से आया हूँ, बहुत अच्छा लगा है। हम लोग आए, पहली बार हम आए हैं, बहुत अच्छा लगा है। बहुत ही अद्भुत है, बहुत ही अद्भुत संगम का नजारा एकदम अद्भुत है। अभी तक ऐसा कभी तक कभी भी नहीं हुआ था, इसीलिए पहली बार कुंभ देखा है हमने। ये अर्ध कुंभ के बहुत कुंभ देखे लेकिन पहली बार ऐसा दे रहा है, ऐसा कुंभ पहली बार देखा जीवन में। बहुत ये अद्वितीय ये है, अभी तक हमने ये दो कर चुके हैं, उज्जैन का, इसके हरिद्वार का, ये तृतीय है मेरा ये कुंभ है। बहुत बहुत धन्यवाद। त्रिवेणीम माधवम सोमम भारद्वाजं च वासुकीं वंदे अक्षय वटम शेषम प्रयागम तीर्थनायकम। ये सभी तीर्थों का राजा है, इसका नाम प्रयागराज है। यहाँ पर देश विदेश से बड़े बड़े साधु संन्यासी, बड़े बड़े लोग स्नान करने के लिए आते हैं और यहाँ पर स्नान करने से, दान करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। तो ऐसा लगा कि हम जो आए हैं तो धार्मिक स्थल में, पवित्र धाम में, कोई जगह देखो बाथरूम लेटरिन हर चीज की व्यवस्था,
दिव्य कुंभ भव्य कुंभ में आज महाशिवरात्रि के दिन एक बार फिर से संगम तट पर जन सैलाब उमड़ा और व्यवस्थाओं के लिए प्रयागराज कुंभ हमेशा याद रखा जाएगा। बीडी जायसवाल और राजकिशोर के साथ विकास सिंह, डीडी न्यूज प्रयागराज। स्वस्थ बच्चा सुखी बचपन, मुगली घुट्टी 555। तो आपने देखा, ये हमारे संवाददाताओं की रिपोर्ट्स, पहले आशुतोष की, उसके बाद विकास की, और एक बार फिर हम आपको ले चलते हैं कुंभ, जहां पर सीधे हमारे संवाददाता विकास हमसे जुड़ रहे हैं। विकास, आज एक प्रमुख स्नान हुआ महाशिवरात्रि का, और आज आपके साथ दूरदर्शन के बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं। कैसा अनुभव रहा, क्योंकि पिछले 10 जनवरी से आप लोग कुंभ में हैं, लगातार नजर बनाए हुए हैं, बहुत सारी आप लोगों ने मेहनत की, रिपोर्ट्स दी सभी दर्शकों के लिए, क्या जानकारी है और कैसा अनुभव रहा विकास? जी बिल्कुल, आज सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आज अंतिम मुख्य स्नान था महाशिवरात्रि का, जिसमें संगम तट पर 1,10,00,000 लोग यहां पर आए। और आपको आपको एक और चीज बताना चाहता हूं कि पूरे मेले में, अगर जो है पूरे कुंभ में देखा जाए, तो जिस तरीके से यहां पे व्यवस्थाएं की गई थी, काफी ज्यादा व्यापक रही व्यवस्थाएं, चाहे पुलिस के व्यवहार की बात हो, चाहे यहां मेला प्रशासन के द्वारा जो मदद की जाती है, स्वच्छता की बात हो या अन्य व्यवस्थाएं हो, कुल मिलाकर सभी व्यवस्थाएं व्यापक रही। दिव्य और भव्य कुंभ में क्या कुछ जो है अनुभव रहा, हमारे सहयोगी संवाददाता भी साथ है हमारे, आशुतोष, कैसे देखते हैं आप पूरे इस कुंभ को, आज समापन की ओर है कुंभ? विकास, ज्यादा ना कुछ कह करके मैं इतना ही कहूंगा कि पूरी तरह से विहंगम था, दिव्य था, भव्य था। और इसकी भव्यता इतनी थी कि दूरदर्शन ने जब इसका प्रसारण केवल भारत की सीमाओं के भीतर ही नहीं, सात समंदर के पार किया, तो वहां से लोग चल करके आए, उन्होंने सनातन धर्म की आभा को देखा, गंगा की निर्मलता को देखा, त्रिवेणी के संगम को देखा। और इस वक्त हमारे साथ जो दूरदर्शन परिवार यहां पर खड़ा है, जिसने रात दिन मेहनत करके इस पूरे प्रसारण को यहां पर लगातार कुंभ के मेले को किया है, मैं चाहता हूं कि आप उन लोगों से भी जाने। बिल्कुल बिल्कुल, अद्भुत रहा सर, कैसे आप लोगों ने मैनेज किया, कैसे आप लोगों ने? थैंक यू विकास, जो पर्दे के पीछे के लोग हैं उन्हें आपने आगे आने का मौका दिया। और मैं बता दूं, जैसा भव्यता जितनी थी यहां पे दूरदर्शन के पूरे समापन की, आज समापन है, दूरदर्शन ने भी उतना ही भव्य प्रसारण किया। हमारे पास लगभग 10 स्क्वायर किलोमीटर में 22 कैमरे, HD कैमरे और सैटेलाइट पे 5 चैनल्स, दुनिया भर में हमारा प्रसारण हो रहा था। यहाँ पर हमारे जो नर्स सेंटर है, जहाँ पे हम जहाँ से प्रसारण कर रहे हैं, वहाँ पे हमारे स्टूडियोज थे, हमारे पोस्ट प्रोडक्शन था, और ये सारा कुछ इतना भव्य था कि हमें भी ऐसा अनुभव हो रहा है कि इस तरह के प्रोग्राम में भागीदार होना, हम सभी तकनीकी साथियों के और सहयोगियों के साथ बहुत कम समय ऐसा मिलता है जीवन में कि इतना भव्यता के साथ हम इसका प्रसारण कर। घंटों मेहनत आप लोगों ने की, सुशील जी कैसा अनुभव रहा आपका? देखिए, प्रयागराज की धरती पर जो नाम दिया गया है दिव्य कुंभ भव्य कुंभ, वो संपन्न हुआ है अपनी संपन्नता के साथ, और उसकी संपन्नता को ये सिर्फ देश में नहीं, विदेश में भी हर जगह इसको सराहा जा रहा है। और हमारी जो टीम है, हमारा जो दूरदर्शन है, आप लोग हुए, हम सारे लोग हुए, और यहाँ से लेकर लखनऊ तक सब लोगों ने, और दिल्ली में बैठे हमारे भाइयों ने भी जिस तरह से इसको लोगों तक पहुँचाया है, जन जन तक पहुँचाया है, ये सच में हम लोगों को बहुत अद्भुत इसका महसूस हो रहा है। बस मुझे ध्रुव जी, कैसा आपने अनुभव किया? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हमें बता दें कि हम लोगों की नई दुनिया में आए और हम लोग लगभग रच बस गए हैं। और एक चीज बता दें आपको कि अगर इस भव्य कुंभ को आयोजित करने के लिए सरकार ने बहुत कदम उठाए थे, तो कहीं ना हम लोगों की भूमिका है जो पूरे विश्व को दिखाए। इतना ज्यादा समय किसी चैनल ने नहीं दिया, हम पूरी तरह से भव्य इस कुंभ को समर्पित कर दिया अपने आप को, हमारी इतने लोग, हम लोग बड़ा एंजॉय किया, और उसके वजह से दिन रात जो भीड़ आ रही है, हम लोग को अच्छा लग रहा, शायद हम लोग की थोड़ी सी भूमिका है। और हम लोग एक तरह से यहाँ के अब जाने का मन नहीं कर रहा, अंतिम समय जाने का, ऑफिस जाने का है, लेकिन लग रहा है कि एक अच्छा माहौल रहा, बहुत हमारे ऑफिस ने बहुत अच्छा व्यवस्था किया, हम लोग इतने कैमरे से गए तो पूरा एंजॉय किया हम लोग और पूरी तरह प्रसारित किया। सर, हम लोग देख रहे थे मौनी अमावस्या और मुख्य स्नान में किस तरीके से मेहनत हो रही थी। ये कुंभ जो हम लोगों ने कवर किया है, आपको बताएं, ये मेरा चौथा कुंभ है, और सबसे अधिक ये है कि दूरदर्शन ने ये एक नई टेक्निक लाई है, हाई डेफिनेशन पे हमने कवर किया, जो 200 देशों के ऊपर गया,
और उससे इंडिया में ही नहीं विदेश में भी हमारा प्रचार हुआ। जो मेरा उद्देश्य था, जो हमारी सरकारों का उद्देश्य था कि हम कुंभ तो हर बार होता है 12 साल में, लेकिन कुंभ का कितना प्रचार किया जाए, वो प्रचार हमने अपने 22 कैमरे लगा के 5 किलोमीटर के एरिया को हाई डेफिनेशन पे वर्ल्ड में पहली बार हमने कवर किया। 42 किलोमीटर का एरिया था, हमारे प्रतिनिधि हैं उमा शंकर, यहाँ ऐसे कैसा लग रहा? यहाँ की दिव्यता और भव्यता में रिपोर्टिंग एक टीम वर्क है, हम लोगों ने दिन रात मेहनत करके मेहनत की। सर कैसा अनुभव रहा आपका यहाँ? सर मैं भी 2-3 कुंभ कर चुका हूँ, वाकई में ये कुंभ जो था जैसे कहा गया है कि दिव्य था और भव्य था, तो वाकई में ये दिव्य था और भव्य भी था। विकास में वो अपने आप में एक भव्य था और अनूठा था, जैसे कि हमारे साथियों ने बताया कि पूरा HD था और 22 कैमरे यूज किए, तो हमने भी ये कोशिश की पूरे विश्व में कि हम इस कवरेज को एक भव्य रूप में दिखाएं। सर कैसा अनुभव रहा यहाँ पे आपका? नहीं, अनुभव तो दिव्य और भव्य जैसा कहा गया वैसा ही रहा, बहुत ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है, अभूतपूर्व अनुभव रहा, इससे ज्यादा कुछ नहीं कहना। मैं तो यही कहूंगा कि हम यहाँ पर आकर धन्य हो गए, इस इतने प्रसारण के हम साक्षी बने, ये हमारी बहुत बड़ी उपलब्धता है। हमने 3 कुंभ की कवरेज करी, लेकिन ये जो कुंभ है दिव्य और भव्य अद्वितीय कुंभ रहा ये। सर कैसा लगा आप लोगों ने? आप लोग बहुत मेहनत बहुत लगा, सब लोग काम किया यहाँ पे, अच्छा लगा हमको, फर्स्ट क्लास। विकास मैं आपसे पास आना चाहता हूँ। अच्छा रहा सर, हम आपके पास भी आएंगे। सर एक सर, हाँ कैसा रहा सर अनुभव? ये अनुभव तो बहुत ही अद्वितीय रहा, और इसके लिए जो हमारे महानिर्देशक श्री PP शुक्ला जी थे, उनके द्वारा एक बहुत ही प्रभावी कार्य योजना तैयार की गई थी, और उसी कार्य योजना के तहत हम लोगों ने अपने सारे कार्यों को किया, और अधिक से अधिक रिसोर्सेस का इस्तेमाल करते हुए, अधिक से अधिक इक्विपमेंट का बैकअप लेते हुए हमने इसको रात दिन। इस बार तो हमारा पहला कुंभ था ये, लेकिन इस बार हम इसको दिव्य कुंभ, भव्य कुंभ और स्वच्छ कुंभ और सुरक्षित कुंभ कहेंगे। हम लोग जहाँ भी गए हैं, जिससे भी मिले हैं, तो चाहे कोई सफाई कर्मी रहा हो, चाहे नाव चलाने वाला रहा, अच्छा, हो, सबने एक ही बार में एक ही स्वर में कहा है, किसी ने ये नहीं कहा है कि हमको ये कमी दिखाई पड़ी। जी बिल्कुल यहाँ पर हमारे तमाम साथी लोगों ने इतनी मेहनत की है, दिन रात की मेहनत थी, सुबह 4 बजे से उठना पड़ता था और देर रात 12 बजे तक काम करना पड़ता था, और इस दिव्य और भव्य कुंभ में जिस तरीके की यहाँ की व्यवस्थाएं थी वो भी अद्भुत थी, अलौकिक थी। जी विकास बिल्कुल हम समझ सकते हैं कि 10 जनवरी से हमारी पूरी दूरदर्शन की टीम वहां पर मौजूद थी, मुस्तैद थी, और आप लोगों, आप आशुतोष और हमारी पूरी दूरदर्शन की टीम, चाहे वो टेक्निकल स्टाफ हो, चाहे प्रोडक्शन स्टाफ हो, जिस तरीके से आप लोगों ने मेहनत की है और 200 देशों तक इस प्रसारण को पहुंचाया है, काबिले तारीफ है। सभी लोगों को हम धन्यवाद देना चाहते हैं। विकास बहुत बहुत धन्यवाद। ब्रजेश जी, एक बार फिर हम आपके पास वापस आते हैं। जी। और ब्रजेश जी ये बताइए, जैसे प्रयागराज कुंभ आज संपन्न हो गया, जी। तो अगला कुंभ कब और कहां होगा, इस ज्योतिष विद्या से कैसे देखा जाता है? हाँ, ऐसा है कि बृहस्पति के राश परिवर्तन से कुंभ का प्रारंभ होता है। जब बृहस्पति वृष राशि पर होते हैं और मकर राशि पर सूर्य होते हैं, मकरे च दिवानाथे वृष राशि स्थिते गुरु प्रयागे कुंभ योग हो, प्रयाग में कुंभ का योग होता है, और इसके बाद ये जो आज कुंभ मनाया जा रहा है ये तो अर्ध कुंभ है, लेकिन इसकी व्यवस्था इतनी अच्छी है कि इसको कुंभ का दर्जा दिया जा रहा है, क्योंकि इस समय जो बृहस्पति हैं वो वृश्चिक राशि पर हैं, और वृश्चिक राशि अगला कुंभ अब कहां? अगला कुंभ जो है हरिद्वार में होगा, हरिद्वार में तब कुंभ होगा जब, कितने वर्षों के बाद? ये 3-3.5 वर्षों के बाद करीब हरिद्वार में कुंभ होगा, और ये 22-23 में पड़ेगा, वैशाख मास में जो है हरिद्वार में। अच्छा, अब ये पूर्ण कुंभ कब होगा? यही पूर्ण कुंभ होगा, जो हरिद्वार का जो कुंभ होगा वो पूर्ण कुंभ होगा, क्योंकि कुंभ राशि के ऊपर बृहस्पति होंगे और मेष राशि के ऊपर जो है वो सूर्य होंगे, उस समय जो है हरिद्वार में पूर्ण कुंभ होगा। अच्छा जी, तो ब्रजेश जी आइए एक बार हम आपको फिर ले चलते हैं और कुंभ में कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रमों की झलकियां दिखाते हैं।
तेरी राह तके ब्रिज बाला तो ब्रजेश जी, आज आप हमारे बीच आए, आपने हमारे कार्यक्रम में भाग लिया, हमें बहुत बहुत जानकारियां दी महत्वपूर्ण, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोगों से विदा लेते हुए मैं यही कहूंगा कि प्रयागराज कुंभ 2019 जाना जाएगा अपनी भव्यता के लिए, अपनी स्वच्छता के लिए, जाना जाएगा अपने आध्यात्मिक, धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए। और आने वाला अगला कुंभ, जो कि जैसा कि बताया ब्रजेश जी ने, कि हरिद्वार में होगा।